भोपाल में हुई 5.5 लाख की लूट का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस सनसनीखेज वारदात को फरियादी के दोस्त ने ही अपने साथियों के साथ अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में बीते दिनों हबीबगंज थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस पूरी घटना को फरियादी के दोस्त ने 3 साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था और लूट के पैसे आपस में बांटने की योजना थी। पुलिस ने फरियादी के 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लूट की रकम बरामद कर ली है। ये भी जानकारी सामने आई है कि मुख्य आरोपी अनस की मां पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हबीबगंज थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना हुई थी, जिसमें खासतौर पर उस एयू बैंक से, जो कि हबीबगंज थाना क्षेत्र में थे, वहां से पैसे निकाल कर लाने के बाद एक फरियादी के साथ उसमें लूटपाट की घटना हुई। खासतौर पर बैंक से निकलने के बाद जब वो स्कूटर से पैसे लेकर वो व्यक्ति वहाँ से जा रहा था, और उसके कुछ ही देर बाद दो ऐसे युवक जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन दो अज्ञात युवक उस समय अज्ञात थे, उनके द्वारा आ करके उसके स्कूटर को टक्कर मारी गई, उसको तो पैसे लूट लिए गए। घटना बड़ी महत्वपूर्ण थी और बैंक की सुरक्षा संबंधित एक परसों बड़ी महत्वपूर्ण बैठक भी ली गई थी, उसमें बैंक से जुड़े सारे मुद्दों पर इस तरह की बात की गई थी। तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि इस तरह के मामले को तत्काल निकाला जाए। पुलिस की टीम जिसमें DCP जुर्मन प्रियंका शुक्ला, वहाँ पे खासतौर पे एडिशनल DCP जुर्मन ACP मयूर, और साथ ही साथ DCP क्राइम अखिल फेल के साथ साथ शैलेंद्र और मुख्तार कुरैशी, खासतौर पे पूरी थाना हबीबगंज की टीम, पूरी टीम ने बेहतर ढंग से समन्वय से काम शुरू किया और कुछ घंटों के अंदर इसमें उस व्यक्ति की, संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर ली गई जिसका इस पूरे मामले में हाथ हो सकता था। इसमें एक वैसे व्यक्ति की पहचान हुई जो शुरू से साथ में था और उसको पूरे घटनाक्रम की और पैसे निकालने की पूरी गहरे ढंग से जानकारी थी। जब उस व्यक्ति से उसमें पुलिस ने उस सारे सूत्रों को जोड़ा और पूछताछ की, तो अंततः उसमें कड़ियां जुड़ने लगी। लेकिन पुलिस के सामने अभी भी चुनौती थी कि उस मामले का खुलासा हो और अंततः उसमें जो पैसे गए हों, पैसे पुलिस जब्त करे। पुलिस ने लगातार उसमें जगह जगह पूछताछ की और कार्रवाई की, अंततः उसमें गए हुए अंततः 5,25,000 पूरी रकम जब्त कर ली गई है।